वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहबाद में एक शादी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल यहां काजी ने निकाह पढ़ने से मना कर दिया क्योंकि मुस्लिम महिला पहले से शादीशुदा थी और उसने युवक पर रेप का आरोप भी लगाया था, इसलिए बात शरीयत पर आकर रुक गई। कुछ दिन पहले शाहबाद कस्बा के मोहल्ले की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने तुरंत उसकी शिकायत पे मामला दर्ज कर लिया था। बाद में महिला ने आरोपी युवक से शादी करने की जिद की और उसने अपने पहले पति को तलाक दे दिया है। अब वो इसी आदमी के साथ रहेगी, लेकिन लड़के के परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। इस पर समाज के लोगों ने पंचायत का आयोजन कर दोनों पक्षों को समझाया और आखिर में समझौते में तय हुआ कि महिला और युवक शादी कर सकते हैं। अब शादी की रस्म शनिवार शाम 4 बजे होनी थी। शादी को देखने के लिए दोनों पक्षों के लोग जमा भी हो गए, लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब कोई निकाह पढ़ने के लिए राजी ही नहीं हुआ। शरीयत के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला और उसके पति के बीच तलाक हो जाता है तो महिला को दूसरी शादी करने से पहले इद्दत, यानी किसी महिला के तलाक या उसके पति की मृत्यु के बाद की वो समय जिसका पालन करना महिला के लिए जरूरी है कि रस्म अदा करनी होती है। अब इस रस्म के पूरा ना होने के कारण कोई भी दोनों का निकाह करने को तैयार नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद देर शाम दोनों पक्षों ने एक वकील के जरिए हलफनामा बनाकर शादी की तैयारियां की गई और किसी तरह निकाह पूरा हुआ। वही शाहबाद कोतवाली प्रभारी संजय तोमर ने बताया कि उन्हें शादी की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने इस मामले की जांच की बात कही है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा खबर जानने के लिए देखते रहे वीके न्यूज।